आज है 8 जुलाई 2020 और दिन है आज सोमवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:50 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा के जोधपास पे। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ जुलाई 2024 में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए थे। चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सुबह के 6:37 हुए हैं और हम आ गए हैं एक बार फिर से सुबह सुबह खजियार के पार्क में। गुड मॉर्निंग हो रही सैर करने के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आज सुबह सुबह खजियार के पार्क से आज का नज़ारा और आज का वेदर, बिल्कुल नीला आसमान और अच्छी तेज धूप। मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग। बस ठीक है, हो रही है सैर? योगा कर लिया? योगा कर लिया। तो इनको भी कराना था ना योगा? करते हैं, उधर आगे जाके थोड़ा सा कर लेते हैं। किया नहीं कभी योगा। मैं तो योगा करवा दो थोड़ा सा। आप उस टाइम बोलते हमने सबने एक साथ आ जाना था ना? नहीं, वो हम उठ ही नहीं पाए ना, मैंने कहा आराम से सोएंगे। ये आज वेदर अच्छा हो गया, धूप निकलाई सुबह ही। मौसम देखो ना आज कितना बढ़िया है पूरा, और यहाँ भी कितना आनंद आ रहा है। कितना आनंद आ रहा। हट हट कब एक गुरुजी दिखो इसे। साफ सफाई के बाद जो मौसम, आप कितने बजे आ गए थे सुबह? मैं तो 5:45 जाकर फिर मैंने उधर ही घंटा लगाया ना, योगा किया उधर ही। हाँ, फिर इधर आए। हाँ, सैर करने के लिए। हाँ, तो मैं इंतजार करता रह गया कि आप बोलेंगे कि चलो, बाद में फोन किया आपने, बोला हम तो पार्क में पहुंच चुके हैं पहले से ही, थोड़ा अभी पीछे थे। खजियार में स्टे किया और पार्क में सुबह सुबह सैर नहीं की, तो इधर स्टे का फायदा कहाँ मिल पाएगा फिर? रिलैक्स हो जाता है। कब तक है आप इधर खजियार में? मैं तो अभी 2-4 दिन हूँ। 2-4 दिन? 15 जुलाई को जाओगे? 11-12 को चला जाएंगे और 15 से स्कूल लग जाएंगे फिर? स्कूल तो 18 को लगने, मुझे थोड़ा रियासी वगैरह में जाना काम है ना। अच्छा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, 2-4 दिन और वेदर का मजा कर लो इधर। हाँ बिल्कुल, मजा कर रहा हूँ मैं वैसे, काफी दिन से रूटीन है रोज। हाँ, आज तो मैं इसलिए थोड़ा लेट आया क्योंकि सोचा मैंने कि आप ये दूसरे भाई साहब ये भी जागेंगे फिर इकट्ठे चलें। साथ में जो रमेश थे ना दूसरे हमारे ऊपर रूम वाले, वो भी थोड़ा लेट आए, बोल उन्हें बोला था शाम को 6:15 आना। अच्छा, इसलिए फिर मैं वो आए इधर, वो गए आगे चक्कर लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, हमारी वजह से आज आप लेट हो गए। लेट नहीं, 7:32 हुए हैं और हमने सैर कर ली है खजियार के पार्क में और अब हम लौट रहे हैं अपने होटल की ओर। और खजियार से चंबा के लिए बस भी रेडी हो चुकी है। कितने बजे जाती है ये? बल 8:15 पे जाएगी। तो चलो बस भी स्टार्ट वगैरह होके अपने रूट के लिए तैयार हो रही है। सुबह के 9:20 हो चुके हैं और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी और अब मैं कर रहा हूँ अपने गेस्टों के फोन का इंतजार। 10:57 हुए हैं और अब हम कर रहे हैं खजियार अपने होटल को चेकआउट। रेडी। चलो जी खजियार, बाय बाय। ऑनलाइन करो ब्रेकफास्ट का चले। चलिए जी, 11:04 हुए हैं और आज की यात्रा आरंभ करते हैं। बिल्कुल, आज की यात्रा आरंभ करते हैं।
चलिए कैसा रहा खजियार का स्टे? मस्त। और वेदर है? वेदर और भी अच्छा। वेदर और भी अच्छा। सुबह सुबह मजा आ गया पार्क के अंदर ना। फिर उसके बाद तो जैसे हम आए ना वहाँ से तो लोग वहाँ आने लग गए। अच्छा आने लग गए। हाँ फिर तो आने लग गए थे ना। और भी लोग जग गए थे ना। तो सुबह तो वही थे जो मॉर्निंग वॉक वाले थे ना सारे। 11:04 हुए और अब हम बढ़ रहे हैं खजियार से जोत पास और चंबा की ओर। फिर चलते हैं सबसे पहले जोत पास ना। यस। मेरा था कि पहले चंबा जाके फिर जोत पास पे लंच करके हमने लौट आना था। तो अब इधर नहीं आना तो फिर पहले जोत पास करके फिर चंबा चलते हैं ना, ताकि उधर स्टे करना होगा। तो चेंज हो गया प्लान आपका? नहीं मतलब मेरा था कि चंबा में स्टे कर लूँ, मेरा प्लान था। तो चलो इसीलिए चंबा बाद में रख रहे हैं ना। तो रुकना होगा तो रुक जाना उधर ना। ये है पहले यहाँ से घूम के फिर चंबा की तरफ जाएंगे ना। पहले अपन अभी कहाँ जा रहे हैं? जोत पास। अभी जा रहे हैं जोत पास, फिर उसके बाद चंबा। चंबा ये और लेक। वो लेक तो फिर कल करेंगे ना। कल नहीं, 1-12 तक रात का टाइम है आपके पास। हाँ। तो कल क्या करना फिर? पर आज के जोत पास तो ये फिर रुक जाएंगे, फिर चंबा घूम लेना ना, सैर सूर कर लेना शाम को उधर। और कल फिर निकलेंगे तो चमेरा लेक करते करते और 9 तक पहुंचेंगे पठानकोट कल। चंबा में क्या है बेसिकली? चंबा में टेंपल है हजारों साल पुराने और म्यूजियम है और बड़ी मार्केट। तो फिर रात को तो बंद हो जाएंगे? तो रात को बंद हो जाएंगे तो सुबह 11 जैसे आज निकल रहे तो 11 तक सुबह उधर सैर कर लेना। फिर क्या बोलते हैं, पहले चंबा जाना है क्या करना है अपने भाई बता? ऐसे कर देना सुबह चमेरा लेक चलते ना। अभी कहाँ चल रहे हैं अपन? अभी चल रहे हैं जोत पास। जोत पास 4 लग जाएंगे? 4 नहीं लगेंगे, 1 लगेगा उधर जाने में, एक जाने में, एक आने। काला टॉप कैसे हम 3 गए और 2 लग गए थे हमारे। हम घूमने जा रहे हैं, हमने घूमने जाना वहाँ पे टाइम लगता है ना। ब्रो ऐसे ही कर सकते सुन। हाँ चंबा भी ऐसे ही करेंगे अपन। हाँ। रात को पहुंच जाएंगे शाम। हाँ। को जब भी है। और अगर शाम को नहीं घूम पाए तो सुबह घूम लेना फिर 11-12 कल आज रात को 12 तक टाइम है आपके पास। हाँ। उसके बाद अपन सुबह चमेरा लेक चलेंगे। ये सुबह सुबह लेक व्यू। हाँ। ये देखो सुबह पूरी पार्किंग खाली थी ना, और पूरी पार्किंग भर चुकी है। तो अब लोग आना शुरू हो गए थे। जैसे सुबह हम गए तो कितना करंट लग रहा था। अब ये पूरा दिन यहाँ पे बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे जैसे 4-5 और फिर लॉजी निकल जाएंगे ना वापस। तो हमें बेनिफिट मिला ना इधर रुकने का। पैराग्लाइडिंग तो नहीं करनी? पैराग्लाइडिंग नहीं करनी करनी कि भाई। हाँ देख लो पैराग्लाइडिंग करनी है तो करना है। मैं तो कर ली, इसको पूछ रहा हूँ मैं। पूछ लो है? है? इधर ही होती आगे ना, आगे से ले जाएंगे अपनी गाड़ी। गाड़ी में ले जाएंगे फिर ऊपर वहाँ से तुम जाओगे। हाँ ये देखो धीरे धीरे खजियार का पार्क जो है ये भरना स्टार्ट हो चुका है। घोड़े, फोटोग्राफर, पैराग्लाइडर सब पहुंच गए। अभी 2-4 नहीं है पैराग्लाइडिंग, 15 बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने सुना बादलों में तो करते ही नहीं है पैराग्लाइडिंग। बादलों में नहीं करते हैं तो इसलिए तो ये 15 बंद करेंगे ना। ये आज भी अगर आप जाएंगे तो करवा थोड़ी देंगे आपको। वो वेदर देखेंगे ना पहले, वो क्या पता फिर ना करें। अब इधर आएगा जगदम्बे माता मंदिर खजियार में। उधर बड़ी एक शिव जी की मूर्ति है 81 लंबी। ये इधर मूर्ति वो दिख रही है? हाँ उधर ही जा रहे हैं हम ना। टेंपल जगदम्बे माता। ब्रेकफास्ट और डिनर और रूम में ज्यादा बैठे थे। हाँ। हाँ। सही हो गया। और खाना कैसा था? बहुत बढ़िया। चलिए जी 11:11 हुए और हम पहुंच गए खजियार जगदम्बे माता मंदिर देखने के लिए। पैराग्लाइडिंग करनी है आपने? नहीं करनी फिर? हाँ तो वो है उनको ऑफिस, नहीं तो ना। नहीं नहीं तो आप उतरो और फिर उधर आ जाना आगे। उधर होगी गाड़ी लगी हुई है मंदिर नीचे ना, यहाँ चले जाओ। मैं गाड़ी उस टर्न से आगे खड़ी कर रहा हूँ। 11:12 हुए हैं और मैंने अपने गेस्टों को खजियार जगदम्बे माता मंदिर में दर्शनों के लिए भेज दिया है। और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज खजियार जगदम्बे माता मंदिर में इतनी टूरिस्ट कारें यहाँ पर टूरिस्टों को लेकर पहुँची हुई हो गया। हाँ जी दिख रहा था सामने का पहाड़। हाँ बिल्कुल। तो अब व्यू दिखेगा आगे ना, आज बेहतर अच्छा है। तो चलिए जी भगवान का दर्शन करने के बाद, भगवान का दर्शन से दिन की शुरुआत जगदम्बे माता मंदिर। चलिए जी 11:28 हुए और हमने जगदम्बे माता मंदिर खजियार में दर्शन कर लिए। सर आपका ये अच्छा तो पे? हाँ आया काम ये मेरे तो आया वीडियो बनाने। अच्छा इधर से भी ले लेना इसकी
मूर्ति की फोटो अगर लेनी होगी तो कार से, हाँ जंगल वो है ना पेड़ों के बीच में आएगी ना, देख लेना कहाँ से रुकना दुकान लगा दो वहाँ पे दबा दो। ये देखो ये मंदिर भी आएगा और मूर्ति भी आएगी। खजियार जगदम्बे माता मंदिर से निकलते ही हम यहाँ पर फिर रुक गए हैं एक फोटोग्राफी करने के लिए। ये देखो ये है पैराग्लाइडिंग बड़े लोगों की। ये मंदिर के पास ही लैंड होगा उधर, ये वो ऊपर से आएगा उधर से और भी दिखेगा आता हुआ। देखो एक और आया वो, हाँ तो एक वो और आया वो। ये पैराग्लाइडिंग भी इस वक्त खजियार में हो रही है, 15 जुलाई के बाद ये 15 सितंबर तक बंद हो जाएगी। ये देखिए एक पैराशूट ये है। खजियार जगदम्बे माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर रुक गए हैं एक बार फिर व्यू के लिए, और ये आप लोग देख सकते हैं एक और पैराशूट भी। बैठ जाओ। चलिए खजियार से निकलते ही हम यहाँ पर रुक गए हैं एक चश्मे पर पानी, ठंडा पानी भरने के लिए। ये है पैराग्लाइडिंग पॉइंट, यहाँ से लेके जाते हैं ये। ये देखो ये जा रहे हैं ना ऊपर, ये टेक होगा थोड़ा वो 10-15। और मंदिर के पास उधर था लैंडिंग पॉइंट, फिर वो ये आ गया म्याड़ी गला। ठीक है, तो बनीखेत से लेकर और यहाँ तक फॉरेस्ट लैंड थी सारी, पेड़ नहीं दिख रहे थे हमें, बस यहाँ तक है ये। और इसके आगे देखना अब नज़ारा कैसा हो जाएगा व्यू, म्याड़ी गला ये। तो जब यहाँ से जाते हैं तो यहीं से काला टोप बर्ड लाइफ सेंचुरी का गेट था ना ये, तो यहाँ से फिर अब देखो सामने कितना ग्रांड व्यू है ये। खजियार भी वाइल्ड लाइफ में आता है, हाँ खजियार पूरा बर्ड लाइफ में आता है ना। ये देखो अब नज़ारा, और जोत पास कहाँ पर है वो जो बादल टच कर रहे हैं वो हाँ वो, लंच के लिए जाना था ना उधर, बस तो उधर ही ले लो दूध पास। हाँ तो अभी उधर ही जा रहे हैं ना, फिर उसके बाद चंबा चले जाएंगे कि चंबा ही आपको भैया गाड़ी रोकने के मिनट थोड़ी फोटो लेनी है घर की यार। कौन किन घर की, जैसे अगर एक बस पोज ले लो, बस एक फोटो लेनी है फोटो ले। ये देखो स्टेप फार्मिंग, अब आगे जाके लेना। हां ले। ये स्टेप फार्मिंग है, ये सीढ़ी नुमा खेत, ये मक्की की फसल हुई है इस वक्त सारी। ये स्नैप्स लेने रुका है मैं तो बैठा ले सकता। ये देखो 11:40 हुए हैं और हम खजियार के बाद पहुंच गए हैं म्याड़ी गला में, और यहाँ से ये है आज का व्यू। आजा दिखा नजारा, देख लो ये अब मक्की की फसल की बिजाई हो रही है खेती सारी। तो जोत पास है पहाड़ की चोटी पे, तो यहाँ हम जाएंगे तो बादल मिलेंगे, चंबा जाएंगे तो फिर पंखे की और कूलर की जरूरत पड़ेगी ना। तो इस वेदर के लिए हम आते हैं ना, तो कहाँ पे घूमना और रुकना कहाँ पे ये नहीं लोग सिलेक्ट कर पाते हैं ना, कि उधर नीचे जाएंगे तो नीचे हमारी हाइट कम हो जाएगी ना। तो जोत पास है पहाड़ की चोटी पे और चंबा है फिर नदी के साथ एकदम, तो वहाँ पे फिर 400-500 meters हाइट हो जाएगी और वहाँ पे वेदर जो है वो गर्म मिलेगा। ये आ गया मनी महेश कैलाश व्यू, ये सामने का जो पहाड़ है पर अभी दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ से मनी महेश कैलाश की भी यात्रा चलती है ना, तो ये सब देखो सब ने कैलाश कैलाश करके होटल का भी नाम, ढाबे का भी, रेस्टोरेंट का भी कैलाश व्यू है। देखो ये मनी महेश कैलाश दर्शन है, इधर सब लिखा है बोर्ड पे मनी महेश कैलाश दर्शन शिव भूमि। पूरे हिमाचल को बोलते हैं देव भूमि हिमाचल प्रदेश, और चंबा को बोलते हैं शिव भूमि। सारे पत्थर नेचुरल पत्थर है भाई। अब वो दूरबीन लेकर बैठे होते थे दर्शन करवाने के लिए ना, अच्छा, पर अभी सामने की रेंज पूरी ढकी हुई है। अब इधर शायद लग जाएगी ब्रेक, काम चल रहा है ना इधर रोड का, डबल हो रही है, पर ये बगल में ही है ट्रक खड़ा ना, बंद है रास्ता है, काम चल रहा है ना, डबल रोड बन रही है। रुकनी पड़ेगी गाड़ी, हाँ रुकनी पड़ेगी, उतर जाओ आप उधर, फोटो निकालनी है उस लाल घर की। तो 11:55 पर हमारी कार रुक गई है, अब देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे लगता है। और यहाँ पर गेट से लेकर म्याड़ी गला की तरफ जो है ये रोड का काम चला हुआ है, तो अब यहाँ पर पता नहीं कितनी देर हमें रुकना पड़ सकता है। और ये आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हुई। चलिए जी 12:02 हुए हैं और रास्ता यहाँ पर खुल चुका है। बाजी ठीक है,
ये 12:03 हुए और हमारी गाड़ी जो है ये यहाँ से निकल चुकी है। तो यहाँ पर ये रोड को डबल किया जा रहा है, तो यहाँ पर गेट से लेकर खजियार की तरफ जो सड़क जाती है उसको डबल किया जा रहा है और गेस्ट मेरे जो है ये काफ़ी लंबा आगे निकल चुके हैं। ये है गेट, वो था म्याड़ी गला, तो यहाँ से लेकर खजियार तक ये डबल हो रही है रोड ये ना। अब हम जाएंगे ऊपर जोत की तरफ और फिर वापस इस पॉइंट तक आएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे नीचे चंबा। तो अब जो जोत पास हम जा रहे हैं वहाँ पर भी गदर फिल्म की शूटिंग हुई है। कौन ये वाली गदर? पहले वाली। इधर ब्रेक लग गया, एक ब्रेक और लग गया, लेकिन ये गाड़ी तो हटा सकते हैं ना, ये वाली तो ऐसी खड़ी है। लोड कर रहे हैं ना इसको। गाड़ी आ गई पूरी, बस आ गई, बस उसको निकल जान दो। ये धर्मशाला वाली है, देख लो ये जोत पास हो जाएगी, जोत पास होके धर्मशाला। बहुत सारी बसें जाती है ना इधर से ये। नहीं यार, अब हमें पीछे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पूरा कर्ब काटेगी ये। ये देखो उधर तक आएगी ना, तो ये हमें पता है। ये देखो कि बड़ी गाड़ी है तो उसको कितनी जगह चाहिए। ये देखो ये पालमपुर से आई है बस, ये भी ये गवर्नमेंट की बस है। तो बहुत सारी बसें चलती हैं इस रोड के ऊपर। ये देखो एक और बस, कितनी बसें देख ली अभी आपने थोड़ी देर में। देख लो ये भी उधर से आ रही, चामुंडा देवी से, चामुंडा कांगड़ा चंबा, ये साइड खराब हो गई। हाँ बाया जोत है ना सारी, ये देखो ये खराब हो गई है ये। तो इन रूटों पर ये दिक्कत आती है, गाड़ी गुड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी फिट ड्राइवर फिट इस रोड पे। हाँ बारिश थोड़ी होगी इधर, ऐसे होगा ना कि मौसम खराब हो गया। ये वाला जो सही मौसम हो गया यहाँ पे, ये मौसम जी भैया घूमने के लिए परफेक्ट मौसम है, परफेक्ट मौसम हो गया। देख लो ये जो बादल हमने नीचे से देखे थे गेट से, उन बादलों के पास आगे टच कर लिए हमने बादल। ये आ गया जोत पास और यहाँ देखो, वो देखो ऊपर, वो ये यहीं पे ऊपर घर है वो जिसमें वो फिल्म की शूटिंग हुई है ना जोत पास की। ठंड लगेगी यहाँ आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये है इसमें फिल्म की शूटिंग हुई है जो घर है ये। अच्छा ये जोत पास, तो ये अब पहाड़ की चोटी पे देखो ये कार जा रही है हमारी। ये देखो ये चोटी है, बिल्कुल चोटी, देख लो ये चोटी है। तो इसको बोलते है पास, कि हमने पहाड़ क्रॉस कर लिया। ये देखो चोटी कट गई है ना, ये चोटी कट गई, चोटी से गाड़ी जा रही है। इसके ऊपर है देखो कोई पहाड़ नहीं है, नहीं ये देखो ये ऊपर है कोई पहाड़ ही है, तो बिल्कुल सिरे से गाड़ी हमारी क्रॉस हो रही है ये। और भैया वो बाकी के जो जिला पास है रोहतक पास, वो भी ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही है ना, बिल्कुल चोटी कट गए उस तरफ बस, ऐसे सच पास है वो सामने का। ये देखो तो ये धर्मशाला जा रहा है इधर, ये धर्मशाला जा रहा है। अब देखो बिल्कुल चोटी, ये लिखी हुई है इधर हाइट इसकी अब ये। ये देखो ये 8,660 फुट, इधर भी लिखी होगी, उधर भी बोर्ड, उधर भी लिखी होगी 8,600। हाँ ये 8,600 तो मैं गाड़ी आगे लगा के आता हूँ, आप इधर से सीढ़ियाँ चढ़ो ऊपर ये। चलिए जी 12:42 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं जोत पास। बताइए कैसे हैं जोत पास के नज़ारे भैया? बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार जो भी इधर आए जरूर आए। जो भी डलहौजी चंबा खजियार घूमने के लिए टूरिस्ट आएंगे तो उनको इस प्लेस के बारे में क्या बताना चाहते हैं, कैसा प्लेस है ये? अब डलहौजी घूमो, शहर घूम लो, लेकिन ये जो जगह है ना ये जरूर होके जाना, सारी चीजें फीकी है इस जगह के आगे। यू आर इन द क्लाउड नाउ ब्रो, इसके जो रास्ते हैं बहुत खूबसूरत है। यू आर नाउ इन द क्लाउड, अब यहाँ बादलों में हो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बादलों में, और पहाड़ की चोटी पे आप जो खड़े हो ये बिल्कुल पहाड़ का एंड है ये। हाँ जी भैया बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। मजा आया, पैसा वसूल हो गया ना? नहीं जी पैसे तो ज्यादा ही हो गया वसूल। आगे अगर इधर ये मिस हो जाती तो फिर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम खजियार से निकले जो गेट पास से जो मैंने आपको बताया
एक नीचे चंबा और वहाँ के और यहाँ के वेदर में कितना फर्क आ गया, दिन रात का अंतर, दिन रात का फर्क बोल सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं दोनों जगह का, है ना। यहाँ पे बादल ही बादल है, कुछ दिख नहीं रहा दूर तक, और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ठंडी हवा चल रही है एकदम। सबको आना चाहिए, नहीं बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो बोलूंगा कोई इधर आए ना जरूर आए एक बार। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर घूमते हैं फिर निकलते हैं आगे। फिर यहाँ का आपको चाय और वो बर्फी फेमस होती है, यहाँ की खोया बर्फी, वो फूड है वो भी चेक करवाएंगे, फिर देखते हैं। और तो मनोज भैया ने बात आओ, हमें जगह पता नहीं थी लेकिन भैया ने हमारे सारे पैसे वसूल करा दिए। हम तो वही चर्च वगैरह घूम के चले जाते हैं यहाँ पे मार्केट वगैरह, लेकिन मनोज भैया के साथ में तो अच्छे से ट्रिप करवाया, सारा अच्छे से मैनेज करवाया, हमारा रहना खाना, नहीं बजट एकदम अंडर बजट थी सारी चीजें, तो उतना लगा नहीं कि जहाँ पे दिन खराब होंगे हमारे। अब ऐसा लग रहा है दिन कम पड़ रहे हैं यहाँ पे, एक दो दिन और बीते इधर ही। चलिए कोई नहीं, यादगार रहेगा ना ट्रिप। नहीं भैया बिल्कुल यार, मजा आ गया यार। चलिए अभी उधर देखो वो बादल, आप बता दो अपने बारे में भी, क्या करते हैं आप जरा बता दो। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ फिलहाल तो। अच्छा, हाँ जी, और भाई है साथ में, ये भी दोस्त है मेरा, ये भी वर्किंग है सफदरजंग हॉस्पिटल में। अच्छा, नर्सिंग हॉस्पिटल दिल्ली। अच्छा, तो फिर आप तो बिजी रहते हैं, तो यहाँ पे तो बड़ा आपको सुकून मिल रहा होगा। सुकून जीवन इधर वेकेशन। चलिए ठीक है, हमारी 6 दिन का ट्रिप था, पता नहीं था, नई जगह थी, पहली कभी आए नहीं थे, तो पता नहीं कैसे निकलेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा आना पड़ेगा एक बार, 5-6 दिन बिताने फिर इधर। चलिए ठीक है, खाना खाना है क्या बोल रहे थे आप, कुछ खोया बर्फी कुछ? हाँ तो बैठो बैठो, फिर 2 तो बज गया, लंच ही करते हैं ना लोकल। लंच करो पूरा एकदम, वो बर्फी बता रहे थे। हाँ तो बर्फी भी उधर ही मिलेगी ना, खाना होगा चाहे बर्फी खानी होगी जो भी है, तो 2 तो बज गया तो लंच ही कर लेंगे ना। आ जाओ आ जाओ। चलिए पूरे 2 बज चुके हैं और हम जोत पास देख कर आगे वापस अपनी कार के पास, और अब जा रहे हैं लोकल फूड और देसी खोया बर्फी खाने के लिए। ये था जोत पास, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये देखो सामने से बादल क्रॉस करते हुए और ठंडी हवा, जोत पास में पीछे की पहाड़ी ना वो ज्यादा खूबसूरत है उधर। कौन सी पीछे की? पीछे की तरफ, पीछे हम पीछे चले गए इधर बिल्कुल, हाँ, पार्क के ऊपर पार्क के पीछे और भी। अच्छा और भी, वहाँ बहुत खूबसूरत जगह थी वहाँ। ये आ गया आपका ढाबा, देखो कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई इधर, फेमस ढाबा ना, लोकल फूड, जितनी भी बसें क्रॉस होती है सब यहाँ पे, देखो ट्रक बस टूरिस्ट टैक्सी जो भी है यहाँ पे रुकती है लंच के लिए ना। ये देखो एक और पालमपुर भरमौर यहाँ पर बस पहुँची हुई है। चलिए जी, पूरे 2:03 हुए और हम पहुँच गए जोत पास पे लोकल फूड खाने के लिए। 2:04 हुए हैं और हम पहुँच गए जोत पास लोकल फूड खाने के लिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक पालमपुर से चंबा भरमौर की तरफ बस जा रही है, वो रुकी हुई है, और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, और हमें लगता है वेटिंग ही करना पड़ेगा। अंदर है कोई बेंच खाली की वेट करना पड़ेगा है, उधर है जगह, वो खरीदियो लेकिन टेबल कोई, इधर बैठ जाओ। ये और जी साहब जी, आजकल रस ही रस है, पर रोज क्या चक्कर है। ये हो गया एक बेंच खाली, मटर पनीर है, ये आगे कड़ी, ये आगे सब्जी, पत्ता गोभी जो भी बना है सब रख देते हैं ना। ये चावल, मटर पनीर, कड़ी और पत्ता गोभी, चपाती भी आ रही है ना, चपाती भी आ रही है, सब आ रहा है। मैं आ गया भाई। राजमा और वो है दाल, ये देख लो, ये हो गया अब कंप्लीट। कैसा टेस्ट है, कैसा है? बढ़िया बढ़िया भाई, लोकल बिना मसाले का, ये कुछ मसाला नहीं डला हुआ इसमें, जैसे लोकल घर में खाते हैं ना वो टेस्ट है। चलिए जी मजा आया, कैसा टेस्ट खाने का? और जी शेर साहब कल परसों गए भी थे, दुखी हुई रे घरे थे ना, ताड़ी भी बड़ा रस था, फिर आज भी बड़ा रस है, पर लोग बोलते कम नहीं है, कम नहीं है, तो सब तो बेल नहीं थे। इना घरे नैनी होंगी ना, तो इन फिर
क्या मतलब कितने ग्राम का होता है डब्बा? 250 ग्राम का 1 केजी। चलिए 2:48 हुए हैं और हम लोगों ने जोधपास पे लंच कर लिया है और हल्की हल्की बारिश की बूंदे 2:48 हुए हैं और हम लोगों ने जोधपास पे लंच कर लिया है और हल्की हल्की बारिश की बूंदे जो है ये आना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं चंबा तक हमें कैसा वेदर मिलता है। जैसे यहाँ से निकलेंगे ना तो आगे धूप होगी जैसे सुबह नहीं थी। यस देखो जोधपास का कैसा वेदर था, पूरे घने बादल और यहाँ पे धूप निकली हुई है। ये खजियार वाला और यहाँ से चंबा जाएंगे और ये अब चंबा जाएंगे नीचे देख लो। चलिए जी 4:12 हुए और हम पहुँच गए चंबा। ये 1000 साल पुरानी सिटी है ये। ये देखो चंबा चौगान सामने, चंबा चौगान खजियार है तो चौगान मतलब पार्क को बोलते हैं चौगान। ये जो ग्राउंड है ये और ये है इरावती होटल। ये अच्छा जी हिमाचल टूरिज्म का है ना ये। तो ये प्रॉपर में है, मार्केट भी पार्क भी उतर के जा पूछ किया जा होटल है सब कुछ है। तब तक घूमेंगे अपन ये उतर के पूछ किया जा। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ अंदर। चंबा देखा जाएगा ब्रो। ये वैसे तो ठीक था बट ये कि हमारा प्लान अब मतलब देने का है बे। जुमा रेलवे स्टेशन है क्या? हाँ जुमार हिल स्टेशन है। इसमें आधी घंटे घूम लेते हैं फिर क्या करें? पहले वो भैया वो दिखा दो म्यूजियम। आगे जाना है हमने, आगे जाना है फिर वापस जब लौटेंगे तो फिर चंबा आएगा कल एक बार। तो जो म्यूजियम अभी आप नहीं घूम पाए तो वो कल देख सकेंगे ना म्यूजियम। कल तो मुझे कुछ नहीं, कल तो तो फिर आगे चले जाएंगे। तो मेरा तो वही था कि मैंने सुबह चंबा लाना, हमने खजियार या गालाडोम में स्टे कर लेनी थी पर आपने बोला हम चंबा ही रुकेंगे तभी तो मैं पहले उधर चला गया ना फिर जोधपास के लिए। पर चलो फिर भी ऑप्शन है कि चंबा के बाद अभी भी जुमार हम जा सकते हैं और आगे टाइम भी अभी टाइम भी है ना। ये पहले अपन जाते हैं वहाँ पे अभी म्यूजियम के पास बंद ही होगा म्यूजियम तो मुझे लगता है। चेक कर लेते हैं। ये देखो ये बनाया हुआ है 1000 साल पूरा होने पर गेट। ये चंबा में लोग पड़े धूप में है। ये एक टेम्पल इधर है, ये जो सिटी हार्ट नहीं लिखा हुआ है ये एक टेम्पल। ये है एक वो जो गेट जैसा बना हुआ है उसके बगल में एक टेम्पल है वो जो कोई एक पुराना मंदिर बोलते हैं यहाँ। 1000 साल पुराने सारे यहाँ। और एक फिर ऊपर है मेन लक्ष्मी नारायण टेम्पल ना, वो ये जो गोल चक्कर है जो बाइक नहीं जा रही ऊपर वो ये फेमस लक्ष्मी नारायण। हाँ लक्ष्मी नारायण सबसे बड़ा है इनमें ना। ये है म्यूजियम ये जी। हाँ ये जो बिल्डिंग है ये। हाँ तो इससे पूछते हैं मैं फटाफट। इधर से दिख ही जाएगा गेट खुला होगा तब तो उतर जाना ना इधर। फिर बंद हो गया है ना देखो वो है बंद है बंद है गेट। ठीक शहर है वैसे, अच्छा शहर है, लोग बाहर भीड़ भाड़ काफी है एकदम। नहीं तुम बिल्कुल वीराने से आए हो तो बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में रावी नदी के पास में, तो नदी में पानी ज्यादा है नहीं लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पे। ये इस चंबे का फोटो खींच लेना तो लोगों को बता दो हम चंबा तो होके आए थे। ये एक चंबा चामुंडा देवी मंदिर, इसको देख लो इधर गाड़ी खड़ी हो जाएगी ना और यहाँ से ये पूरा चंबा का व्यू भी दिख जाएगा। पुराना मंदिर है ना? हाँ ये भी पुराना है, 1000 साल पुराना ही। 4:48 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं चंबा चामुंडा देवी मंदिर देखने के लिए। म्यूजियम बंद हो चुका था और चंबा में हम नहीं उतरे चामुंडा देवी मंदिर देखने के लिए और चंबा चामुंडा देवी मंदिर के पास आज हम जाएंगे नाइट स्टे के लिए चंबा से ऊपर झुमा। 4:50 हुए हैं और हम लोगों ने चंबा चामुंडा देवी मंदिर देख लिया है। दो बसें मिल गई हमें आपती हुई, देखो अभी उधर से निकली और इधर ही खराब हो गई। यहाँ तो भैया कोई घंटे 4 घंटे लगते होंगे इनको पहुंचने में। कोई चंबा जुमार ये पढ़ लो, ये बोर्ड है इसका जुमार।
नहीं इसको सही होने में 3-4 घंटे लगेंगे हम तो। अब दूसरी बस उधर से आएगी ना थोड़ी ठीक हो पाएगी। मतलब किस चीज के लिए फेमस है ऐसा कि वो खजियार था ठंडक के लिए है ना, पर इधर जैसे उधर खची नाग टेम्पल था तो उसकी वजह से खजियार, इधर ये जम्मू नाग टेम्पल इधर भी इसकी वजह से इसका नाम जुमार ये टेम्पल है इधर। ये कौन सा मंदिर है? अच्छा जुमार ये तो अभी पेड़ है तो इधर वेदर ठंडा हो जाएगा तो जो चंबा चुंबा वाले लोग हैं तो खजियार चले जाते हैं। अच्छा लोकल या जुमार आ जाते हैं। अच्छा। और डलहौजी और खजियार तो टूरिस्ट तो जाता जाता है ना। हाँ। और जो चंबा शहर के लोग हैं उनको दो ऑप्शन आ गए ना, एक संडे उधर चले जाते हैं एक बार इधर आ जाते हैं वो, पर खजियार ज्यादा फेमस है। और ये कम है थोड़ा जोत पास और ये जुमार। हाँ। इसको लोकली लोग जानते हैं, अभी टूरिस्ट नहीं इधर जानते हैं ना इतना, वो तो फेमस फेमस जगह पाते हैं ना लोग। एक गाड़ी और आई हुई है रखे हैं लोग वैसे इधर है? दो गाड़ी है क्या? हाँ। वो वाला टूरिस्ट गाड़ी वो तो एक दो हाँ। पेड़ कटेगा ये बदली हवा ने जरा भैया ये ठंडा हो गया एकदम चिल्ड हो गया एकदम धूप भी बंद हो गया धूप ही नहीं आ रही अब तो तो जहाँ पे पेड़ है और हाइट है वहाँ पे वेदर ठंडा है, बाकी नीचे चले जाएंगे तो उधर तो गर्मी है सारा ही। ये तो ये है होटल, इसको देख लो इधर। हाँ बताओ कौन सी बड़ा ये जो सामने है ये। चलिए जी 5:30 हुए और हम पहुँच गए जुमहार। तो आज हम जुमहार में ही रुकने वाले हैं। ठीक है दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय।